मुझे आलू इतना पसंद है कि मैं आलू के साथ भाग सकती हूँ। और ये रोटी नहीं बल्कि रोटा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ दो बनाऊंगी। शीला, हाँ शीला, हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। सुबह के 6 हो रहे हैं और मुझे जाना है आज भी शूट पर। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने आराम से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा कॉल टाइम मैंने थोड़ा सा लेट पाया और सोचा कि क्यों ना आज मैं थोड़ा अपनी पर्सनल वर्ड नहीं मिल रहा है और समय आगे बढ़ रहा है, तो हम वर्ड पर ध्यान नहीं देंगे, हम समय पर ध्यान देंगे, क्योंकि आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ समय के बारे में। समय बहुत कीमती है, ये सबको पता है, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि समय कैसे कीमती है। आप बात भी करते हैं और हम किचन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी है। जी हाँ, कुकिंग मुझे ही करनी है। आई नो शीला मेरी लाइफ में आ चुकी है, पर खाना बनाने वाली हमारी ज़िंदगी में है, पर खाना हमें ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि समय का तालमेल नहीं बैठ रहा है। शीला और समय ये एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे आज भी वही सब फेस करना पड़ रहा है जो मैं पहले फेस करती थी। तो आज हम ज्ञान, यानी कि ज्ञान की बातें हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज मैं चर्चा करूँगी समय पर कि हे भगवान, समय सेट नहीं होने की वजह से मैं क्या फेस कर रही हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में। तो आप देख रहे हैं कि शीला है पर सफाई मुझे करनी पड़ रही है, शीला है पर खाना मुझे बनाना पड़ रहा है, शीला है पर हर काम मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि शीला की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे टाइम की प्रॉब्लम है। बड़ी बुजुर्गों ने सही कहा है, चटनी रोटी से भी पेट भरा जा सकता है और ज़िंदगी चलाई जा सकती है, और फिलहाल रतन राजपूत वही कर रही हैं, क्योंकि खाना भी हो जाएगा घर का, और ये क्योंकि फटाफट बनता है तो मैं दूसरे काम भी कर लूँगी। और दूसरे काम जैसे कि, हाँ मैंने ये बताया नहीं, ये वर्कआउट क्लोथ में मैं कुकिंग क्यों कर रही हूँ, ये ज़रूर सोच रहे होंगे, और कई लोग तो ये बोलेंगे ये क्या है। मैं इधर चढ़ाऊँगी चटनी और उधर करूँगी अपना थोड़ा सा योगा, और शायद मैं ले चुकी हूँ। टाइम को फोकस करते हुए अब मैं अपना रूटीन बना रही हूँ। एंड लेट्स सी शीला और समय का कैसे तालमेल बनता है, फिलहाल तो नहीं बन पाया है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। आज मैं शेयर करूँगी आपसे हमारे टमाटर की चटनी की रेसिपी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उतने ही टाइम में अपने सारे काम कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि मैं ना ये अपने आप को कहना चाह रही हूँ, जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो मैं खुद को कहना चाह रही हूँ कि समय से बड़ा कुछ नहीं होता। तो समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ में समय को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है कि टाइम कम है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। खुद को एडजस्ट करने से पहले माइंड को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं देखती हूँ सक्सेसफुल होती हूँ या नहीं, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। मैं इंग्रेडिएंट्स डालती जाऊँगी और बताती जाऊँगी, दिखाने का अलग से सजाने का टाइम नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि जैसा समय हो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना, नो पैतराबाजी। हाँ, हम ऑयल में डालेंगे थोड़ा पाँचफोरन, ये बिहार में पाँचफोरन कहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में शायद कुछ और कहते हैं, जिसमें होता है ना वो जीरा, सौंफ, अजवाइन और राई, ये सारे मिक्स मसाले जो रहते हैं वो डाल दिया। और फिर हम लाएंगे मिर्च, मैं डालूंगी एक हरी मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और फिर मैं डालूंगी इसमें टमाटर, छटपटाने लगते हैं, छटपटाना तुरंत मचलने लगते हैं। हम शुरू में ही इसमें नमक डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जल्दी पके, पिघल जाए मतलब गल जाए। अब इसको धीमे आंच पर ऐसे ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे और खुद प्रस्थान करेंगे
योगा मैट की ओर, ताकि आप अपनी कम से कम 10 सूर्य नमस्कार तो कर सकें। सूर्य निकला नहीं है, पर सूर्य नमस्कार के लिए मैं रेडी हूँ। तो चलते हैं हमारे मैट की तरफ। योगासन के साथ साथ अपनी चटनी पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं किचन में। हमारी चटनी को हमारी याद आ रही है, हमें चटनी में गुड़ और मसाला डालना होगा। सो लेट्स गो। या ऐसा ही हो रहा है, मैं कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। नींद कंप्लीट नहीं, योग कंप्लीट नहीं, कुकिंग कंप्लीट नहीं। लेट्स सी, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ। चलो अभी चलते हैं। देखा, ये सब काम अगर मैं रात को ही कर लेती तो अभी टाइम बचता। देखिए, मेरा काम ऐसे ही होता है, हर चीज अनप्लान। लाइफ में प्लान ही नहीं है, और अनप्लान लाइफ ऐसी होती है। एक मिनट, अनप्लान से याद आया, मेरी अगली जो स्टोरी आ रही है वो अनप्लान है। और अनप्लान लाइफ कैसी होती है ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। और प्लीज़, मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि वो अनप्लान स्टोरी आप पूरी देखना। मैंने उसको बहुत कट नहीं किया है, बहुत अच्छे से वो सजा सवार के नहीं ला रही हूँ, क्योंकि वो अनप्लान था, रियली अनप्लान था। उसको एक या दो देख कर मत छोड़ना, उसको कंप्लीट करना। हार्डली आपका टाइम जाएगा उसमें, और हम बात भी सिर्फ टाइम पर ही कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप उस स्टोरी को जब टाइम देंगे तो आपको भी अपने टाइम में कहीं वो लेकर जाएगा। और मुझे लगता है मैं जब वो स्टोरी देख रही हूँ तो मुझे भी कुछ जानने को और नया समझने को मिल रहा है मेरी ही लाइफ से। आई डोंट नो हाउ। हमने गैस को ऑफ कर दिया था क्योंकि मुझे लगा मैं पहले फटाफट एक क्विक वाला शावर ले लूँ और रेडी हो जाऊँ शूट पर जाने के लिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे टाइम हो रहा है रामजुल के आने का। एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि शिला भी आ जाए। तो मैं आज घर खुला उसकी एंट्री करके मैं शूट के लिए निकल जाऊँ। टमाटर में मैंने डाल दिया है गुड़, मैं चीनी अवॉइड करती हूँ, पर अगर सेट पे कोई मिठाई लेता आए तो वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ जो कि इसमें है जीरा, धनिया और मिर्च, भून करके इसका पाउडर बनाया है, तो वो हम डालेंगे इसमें। और इसको तेज आंच पे थोड़ा पका लेंगे। हम में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे कि वो भी यही करते हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ जंक फूड्स और बाहर के खाने पे डिपेंडेंट है, उनको शायद ऐसा देख कर लगे कि भैया उससे अच्छा है कि रोटी चटनी खा लो। इसमें हम डालेंगे 2-4 डेट्स खजूर जिसे कहते हैं। मुझे टमाटर की चटनी और आलू का पराठा, ओहो कमाल लगता है, बहुत पसंद है मुझे। मुझे आलू इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं आलू के साथ भाग सकती हूँ। आई जस्ट लव आलू। कैसे सी लग रही मुझे भगवान, नींद पूरी नहीं हो पा रही। अब हम इसमें लास्ट चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, वो है नींबू। वैसे तो टमाटर खुद भी खट्टा होता है, लेकिन नींबू की खटास इसमें और भी टेस्ट ऐड कर देता है। बस हो गया जी हमारा चटनी। ये चटनी बहुत टेस्टी होता है, और आज भी बहुत टेस्टी बना है। आप लोग, कई लोग बनाते होंगे, अगर आप लोग का कुछ अपना स्टाइल है, उसमें कुछ अपना तड़का डालते हो, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना। मुझे पता है इट्स अ बैड मैनर, ऐसे नहीं खाते, पर टमाटर की चटनी हो और साथ में कंट्रोल हो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। इसको धो दूँगी, और कोई दूसरा यहाँ पे गेस्ट नहीं है खाने वाला, नहीं तो। ये है हमारी टमाटर की चटनी, जिसके साथ मैं इमेजिनरी आलू के पराठे खाऊंगी आज, क्योंकि मेरे पास अभी बॉयल्ड आलू नहीं है। तो मैं सिर्फ पराठा नहीं, रोटी बनाऊंगी घी चपोड़ के।
रामाजुल जी। रामाजुल मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ। क्यों? आपको देता हूँ गर्म। अरे गर्म करने का तू आपको देता हूँ, मना कर देते। क्या बात कर रहे हो, मैं मना कर देती हूँ? तो फिर आप, मैंने आपको दो बार दिया था, आप बोला रख दो, बाद में कल डबल डबल इसलिए पिलाया। मेरा ध्यान कहीं और होता है, मुझे तब तक मत हारना जब तक ही तीन बॉटल ना पिला। इसलिए कल आपको डबल डबल पिलाया, दो गिलास दो गिलास। अच्छा एक बात बता, वहाँ कोई पतीला भी छोड़ा है क्या आपने? नहीं। पक्का? तुम जो नींबू ला कर दिया था वो बहुत टेस्टी है। जी मैम, इसमें रस भी बहुत निकलता है। हाँ तुम लोगों ने खा लिया? अब तुमको आने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आऊंगी। डब्बा ऑलमोस्ट रेडी है, अब सिर्फ मुझे रोटी बनाकर रखना है। और ये रोटी नहीं बल्कि रोटा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ दो बनाऊंगी। टाइम हो गया है, पर शिला वैसे ऑन टाइम होती है, कभी भी मैंने उसको लेट नहीं देखा है आते हुए। तो आई थिंक आज मेरा और शिला का टकराना हो जाएगा। आज शिला के घर में एंट्री करवा के मैं जाना चाहती हूँ। पता है जब तक शीला नहीं मिली थी तब तक ये लग रहा था कि बस एक शीला मिल जाए, मतलब एक ऐसी सी हेल्पर मिल जाए मुझे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसके साथ साथ मुझे टाइम का वो जो तालमेल है ना, वो एक बार बैठ जाए। टाइम तो हमेशा मेरे फादर कहा करते थे कि समय से बड़ा कोई नहीं होता, और वो समय को ही पूछते थे। वो कहते थे समय है जो आपको बहुत सारी चीज़ों में लेकर जाता है, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में। तो समय को अहमियत देना चाहिए और ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय ही है जो आपको हर दिन दिखाता है। तो मुझे पापा की आज वो वाली बात बहुत याद आ रही है। ओए होए, हाँ पता है इसके साथ एक पराठा बहुत अच्छा होता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, घी लगाया उसमें नमक डाला, एक घर का पीसा हुआ गरम मसाला हल्का सा ऐसे डाल दिया, और ऐसा पराठा आप घूमते टहलते खा सकते हो। इसमें थोड़ा तिल भी ऐड कर सकते हैं। तिल का यही काम अगर आप बोझिल मन से करोगे ना, तो करने का मन नहीं करेगा, और आप अपने ऑफिस या वर्क स्पेस पर जाकर बर्गर और पिज्जा ऑर्डर करके खाओगे। और अगर आप अच्छे वाले मूड में रहोगे किचन में, तो आप भले ही रोटी चटनी बनाओ लेकिन आपको मजा आएगा अपने वर्क स्पेस पर जाकर खाने में। इसे कहते हैं चैलेंजिंग लाइफ। क्यों जाना है वैसे चैलेंजेस लेने जो आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे बंजी जंपिंग करना है बिकॉज चैलेंज लेना है, हमें पैराग्लाइडिंग करना है क्योंकि हमें चैलेंज लेना है। अबे ऐसी लाइफ में चैलेंज लेना है? मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे ही चल रही है, बंजी जंपिंग। ओए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैंने अपने शुरुआती दिनों में सीखा है। वो जो स्ट्रगल टाइम जिसको कहते हैं, वो बेसिकली स्ट्रगल टाइम नहीं बल्कि लर्निंग टाइम होता है। आप लोग भी अपने शुरुआती दौर में हैं तो खूब इंजॉय कीजिए और लर्न कीजिए। मैं आज तक कर रही हूँ लर्न। कभी मुझे स्मूथ लाइफ मिली ही नहीं, हमेशा थोड़ा चैलेंज से भरा हुआ टफ टाइम मैंने देखा है। बट ये जो टफ टाइम है ना, उसने मुझे ऐसा नौटंकी बना दिया है। मैं चपर उछल कूद करके ये जिंदगी जीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कभी भी इसका द एंड हो जाने वाला है। यार हमारी स्टोरी भी अभी द एंड करनी होगी, क्योंकि टाइम हो गया है। तब तक के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत। कौन? कौन? शीला। शीला, मैं जाने वाली थी। बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है। बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है। सुनना शीला। हाँ बाबा। मेरे रूम में ना मैंने वो रखा है जो बेड पे कपड़े है ना, अपने जाने के लिए कुछ बना लिया है, पर बाकी तुम देख लेना, कुछ बना देना अपने मन से। रात को खाऊंगी, थोड़ा कम बनाना, कपड़े फोल्ड कर लेना, और वहाँ कपड़े नहीं फैलाना है, फाइन लगता है। हाँ उसको इधर ही डालना, मुझे पता है हवा लगाना चाहते हो ना। पर वहाँ से गार्डन की तरफ है ना, तो वो अच्छा नहीं दिखता नीचे से, तो इसलिए वहां नहीं डालने का। जमीन में डाल दो, वहां पे बालकनी में। अच्छा
तो हम जा रहे हैं अब शूटिंग पर, हमारी शीला की एंट्री हो चुकी है घर में, तो आज शीला और समय का तालमेल बैठ गया है ना शीला? आज लेट चल रहे तुम्हें? आज थोड़ा सा लेट है इसीलिए। सी शीला को पता है कि आज मैं थोड़ा लेट हूँ, लेट मतलब मेरा कॉल टाइम लेट है। बस शीला मैं चली हाँ, अब घर तुम्हारे हवाले, तुम देख लेना। मैंने कहा था ना शीला अमेजिंग है, अगर इसको कुछ बोलना नहीं पड़ता, अगर मास्क कुछ हुआ पहले वो हाथ धोती है। शीला को हम दूसरा मास्क देंगे, ये थोड़ा सा ऐसे चिपका रहता है ना, थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हम थोड़ा दूसरा चेंज करेंगे शीला का मास्क। बस मुझे टाइम मिल जाए कि मैं शॉप करने निकल सकूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। क्या शीला? तो मैं जा रही हूँ अब शूट के लिए, और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि शीला के घर पे एंट्री हो चुकी है। आई एम रियली हैप्पी, आज घर साफ मिलेगा जब मैं शूट से आऊँगी। और शीला दरवाज़ा खींच कर चले जाना। दीदी क्या शीला वो डब्बा नहीं ले जाना? से भरा हुआ दिन है क्योंकि समय हमारे साथ है। कितनी ज्ञानवर्धक बातें हुई ना सुबह सुबह, ये मैं आपको नहीं दे रही थी, ये खुद को दिए जा रही थी। याद दिलाना बहुत जरूरी है। सूर्य निकला नहीं है पर सूर्य नमस्कार। अब उसमें गुड़ और मसाले डालने की, गुड़ पक चुका है, अब गुड़ पक चुका है सॉरी। समय की घबराहट इंसान को ऐसा लास्ट चीज, अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, टाइम। तो आज मुझे पापा की बहुत वो बात कही याद आ रही है, नहीं लाइन गलत है, शुरुआती दौर में सीखा है, नहीं